हिसार के नागौरी गेट पर इस समय हम लोग मौजूद हैं और कुछ युवा जो है हाथों में बैनर लिए हुए बाजारों में नजर आ रहे हैं। ये देख लीजिए, हाथों में बैनर लिए और एक मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं। ये युवाओं के चेहरे देख लीजिए और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज लेकर के ये चले हैं और बाजार में एक मुहिम इन्होंने चलाई है और बाजार में होते हुए राजगुरु मार्केट होते हुए और एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। क्या कुछ इनका मैसेज है और क्या कहना है वो इनसे जानेंगे और आज इनके पीछे का मकसद क्या है वो भी जानेंगे। इस समय लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं एनएच आधार न्यूज हरियाणा पर। तो इनसे जुड़ते हैं भी बाजार में नागौरी गेट में किस तरह का एक मुहिम इन्होंने चलाई है और बैनर लेकर के क्या करना चाहते हैं, पीछे का मकसद क्या है वो इनसे जानेंगे। तो इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं कुछ बैनर लिए कुछ युवा जो है वो हमें यहाँ मिले हैं और नागौरी गेट पर और राजगुरु मार्केट से होते हुए जो है ये यहाँ पर हमें मिले हैं। क्या कुछ इनका कहना है, क्या मैसेज है वो जानते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम है सुनील कुमार शर्मा जी, मैं हिसार से हूँ। सर ये बताएं मुझे, थोड़ा शॉर्टकट में बताना कि आज ये बैनर लेकर के किस तरीके से क्या मुहिम चलाए हुए हैं, क्या मैसेज आप लोगों को देना चाह रहे हैं? सर आज इंटरनेशनल ड्रग ड्रग निषेध जो दिवस है, बिल्कुल अपने मतलब इंटरनेशनल नशा अपने निषेध दिवस है आज का जी। हमारा अपने ये अपने उद्देश्य है कि हम अपने युवाओं को थोड़ा जगाएं, जो बंदे अपने यहाँ हिसार में काफी अपने नशा कर रहे हैं युवा लोग, ताकि वो अपनी जगह इसी। सर ये बताएं नशा क्यों करते हैं युवा, कारण क्या होता है इसके पीछे का? देखिए नशा करने का बहुत सारे कारण है, लेकिन जो आजकल जो अपने कारण मुख्य सामने आ रहा है वो है दोस्ती संगत का दबाव। संगति जो आजकल अपने बच्चों की वो जो अभी काफी खराब हो रही है, बच्चे आजकल बीड़ी से जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं, दे आर यूजिंग फ्लूट एंड दे आर यूजिंग स्लोचन। स्कूल के अंदर वो नहीं होता, क्या बोलते हैं इंगनर होता है, इंगनर वो अपने यूज कर रहे हैं, तो दे आर यूजिंग ड्रग्स इन स्मॉल एजेस। ये बताएं पहले कुछ युवा हम देखते थे वो बीड़ी के अंदर डाल करके नशा पीते थे, आजकल वो कुछ कागज लगा करके नीचे लाइटर लगा के नशा करते हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही है और भी कई चीजें सामने आ रही है। तो ये कहाँ से उनको मिलता है, प्रेरणा कहाँ से मिलती है और कहाँ उनको इतने पैसे उनके पास कैसे आते हैं? देखिए सर आपने अच्छी बात बोली, इस पर जो स्टार्टिंग में वो लोग पीते हैं बीड़ी के अंदर डाल के सुल्फा, उसे हम लोग अपने सुल्फा बोलते हैं, जो आप जो बंदे पी रहे हैं पर उसे हम लोग चिट्टा बोलते हैं, हेरोइन बोलते हैं। एक्चुअली वो मुख्य रूप से अपने मतलब एक अफीमय रूप है, लेकिन जो ये चिट्टा आजकल जो बाजार में आ रहा है ये सिंथेटिक रूप है, इससे बच्चों का दिमाग भी खराब हो रहा है और ओवरडोज से इनकी मौतें भी काफी ज्यादा हो रही हैं, तो सरकार इस पे काफी ज्यादा काम कर रही है जी। ये बताएं जो अफीम खाते हैं जो उसको उसका क्या असर होता है, कितना नुकसान वो करती है? देखिए अफीम नशा ही है और उसका भी देखो बाकी से अपने सेम असर ही होता है, बंदा अफीम के अंदर दिन भर नशे में रहेगा और उसको अपने ज्यादा अपने चाहिए बीड़ी चाहिए, ज्यादा चाय पीता है अफीम वाला बंदा, लेकिन अपने वो नशा ही काफी भयंकर नशा है। ये बताएं नशा करने वाले की पहचान कैसे हो सकती है उस युवा की और किस तरीके से पता लगता है कि ये नशा किया हुआ है या नशे की आदी है? देखिए जो बंदा नशा करता है उसकी पहचान तो देखो करना मुश्किल है, लेकिन जब बंदा नशा करता है तो जो उसके व्यवहार है वो देखो बंदे के पूरे चेंज हो जाते हैं, उसे गुस्सा करना, चोरी करना, चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो अपने धमकी देना घर वालों को, बिना बताए जाना घर से, तो ये उसके अपने व्यवहार होते हैं जिससे हम बोलते हैं ये बंदा नशा करने लग गया है आजकल, तो ये उसकी एक वो होता है डायग्नोस सिस्टम होता है। सुना है आप नशा छुड़वाने के लिए भी एक आप लोगों ने मुहिम चला रखी है, वो क्या मुहिम है और उससे कितना फायदा लोगों को हुआ है? देखिए मेरा नशा मुक्ति केंद्र है चिकनवास में हिसार में, देखिए पूरे स्टेट के अंदर मतलब कि नशा मुक्ति का नाम खराब हो रखा है, तो हम उसकी छवि को ठीक करना चाह रहे हैं। लोग बोलते हैं नशा मुक्ति अपने वहाँ मारते हैं, कूटते हैं, दवाई नहीं देते हैं, रोटी मिलती है, अच्छा है उनको, अब ये परिणाम दिए जाते हैं, ये बात सही है। देखिए पहले ऐसे अपने नशा मुक्ति केंद्र थे, लेकिन सरकार ने अभी कुछ पिछले सालों से ऐसे सरकार ने पूरे गवर्नमेंट ने अपने सेंटर बंद कर दिए, नशा मुक्ति बंद कर दिए हैं, जहाँ ये कार्रवाई की जाती है वहाँ आजकल अपने अधिकारी आते हैं सेंटर के अंदर, लोगों से पूछते हैं खाना कैसा है, दवाइयाँ प्रॉपर मिल रही नहीं मिल रही हैं, उनको मारते कूटते तो नहीं है, उनके परिवार से पूछा जाता है, तो ये एक अच्छी मुहिम छेड़ रखी सरकार ने भी और हमने भी छेड़ रखी है मुहिम, ताकि नशा मुक्ति की छवि अच्छी हो जाए। जो लोग बदनामी है, पहले बदनाम थे सेंटर पहले ये, यानी सच्चाई है जो कहते थे मारते पीटते थे काम करवाते थे और उसमें कहते थे वो इसमें से कंकर अलग निकालो या इसमें से गेहूं है उसमें से कुछ अलग निकालो और उसको बांध के भी रखते थे, इस तरह की बातें पहले होती थी। देखिए सर ये ना कुछ बातें बनावटी है, कुछ बातें आपकी सच्चाई है। देखो बंदा हमने क्यों मारते हैं बंदा, मतलब बंदा अपने ये नहीं बोलता मैंने क्यों मारा गया, अपनी गलती बताएं वो कि मैंने मुझे मारा गया, चलो ठीक है मारा गया उसको, लेकिन उसको क्यों मारा गया, कारण क्या था उसको मारने का, क्या उसने हमला किया, क्या उसने किसी पर अपने कोई चाकू से वार किया, क्योंकि ऐसे नशा मुक्ति से अपने हाथ से हो चुके हैं कि लोगों ने मिलकर आप लोगों ने शायद एक नशा मुक्ति केंद्र खोला हुआ है जी जी सवेरा नाम से जी जी चिकनवास में। हाँ जी हाँ जी। तो ये बताएं वहाँ कितने लोगों को ठीक हुए, कितना कोई फायदा हुआ भी है या केवल नाम का ही खोला हुआ आप लोग? देखिए ये आपने अच्छी बात बोली है सरकार, तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है, हमारे स्टेट का नशा मुक्तियों का नहीं बल्कि बाकी जो सरकारी है उनका भी मतलब कि जो परिणाम आना चाहिए वो थोड़ा कम आ रहा है, क्योंकि हर स्टेट में मतलब कि बुरा हाल है, नशा मुक्तियों के अंदर अपने प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, प्रॉपर उनको अपने इलाज नहीं आ पा रहा है,
अच्छा, जो टीमें आनी चाहिए सेंटर के अंदर, जो वहाँ जाके अपने जाके चेक करती है, वो भी तो कम आ रही है सेंटरों के अंदर। हम चाहते हैं कि टीमें भी आए, उनको प्रॉपर दवाई भी दे, अपने जो सरकारी जो दवाइयाँ उनको अपने अपने मिलनी चाहिए जी। तो आप देख रहे हैं कि युवाओं की टीम जो है यहाँ पर आई हुई है, नशा निषेध जो कार्यक्रम चल रहा है, आज नशा निषेध दिवस जो है वो मनाया जा रहा है 26 जून, और उसके लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि नशा क्यों करते हैं लोग और कैसे उनकी पहचान होती है, तो अब इनसे ये भी जान लेते हैं कि उनका इलाज कैसे होता है। ये बताए, आपके यहाँ क्या कुछ फीस लेते हो या फ्री ऑफ कॉस्ट नशा छुड़वाने का काम करते हैं? देखिए सर, हमारे तरह भाई बाबा जी, देखिए हमारे यहाँ बंदे फ्री भी हैं, जो बंदे अच्छे घर से हैं हम देखो उनसे पैसा भी देते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग उनको देते हैं दवाइयाँ, जिसे हम बोलते हैं विश खंड प्रणाली बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड बोला जाता है उसको। ये 3 से 6 महीने का होता है ट्रीटमेंट होता है हमारे यहाँ सब सेंटरों के अंदर। तो स्टार्टिंग में 1 महीना बंदा जब नशा छोड़ता है तो उसे दिक्कत होती है, तो उसको वहाँ देते हैं दवाइयाँ। दवाइयाँ देना बहुत जरूरी है, मतलब उसको साइकेट्रिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नशा एक मानसिक बीमारी है। जब तक हम उसको अपने डॉक्टर को दिखाएंगे नहीं तो वो बंदा ठीक नहीं होगा, इसलिए वो सेंटर में तोड़फोड़ करता है अपने मतलब प्रयास करता है भागने का। इसलिए कई सेंटर में बोलते हैं उसको भैया उसको मतलब पीट पीट के मार दिया गया, क्योंकि उसको वहाँ सेंटर में दवाई नहीं मिली प्रॉपर तरीके से, ना उसको अपने दवाई से अपने निरीक्षण किया गया। कोई मेन बात ये भी है। अच्छा, और ये ट्रीटमेंट है 3 से 6 महीने का ट्रीटमेंट है, स्टार्टिंग होता है डिटॉक्सिफ अभी फील होता है। चलिए आप ये बताएं आपके यहाँ क्या कुछ फीस रहती है इसके लिए, अगर जो कोई किसी का नशा छुड़वाना चाहे तो क्या फीस रहती है? देखिए सर, मेरे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी फीस भी है, डिपेंड ऑन द फैमिली एंड डिपेंड ऑन द एडिक्शन। गरीब परिवार है जो फीस नहीं दे सकता उसके लिए फ्री रहता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल फ्री है सर, बिल्कुल फ्री है मेरे पास में अभी। खाना रहना पीना वो कहाँ से आता है उनका? देखिए सर, हम लोग अच्छे परिवार से, मेरे घर अच्छे परिवार से है, अपने कुछ लोग दान भी कर रहे हैं, मतलब कुछ अच्छे ऐसे अपने फैमिली से जो हमको दान कर देती हैं, मैं उनको अपने नाम ही डोनेट करूँगा। चलिए, बहुत से लोग जो है दान कर देते हैं, उससे फ्री ऑफ कॉस्ट ये इलाज भी करते हैं, लेकिन जो अच्छे घर के होते हैं वो चाहते हैं कि उनको और अच्छे तरीके से रखा जाए, तो उनके लिए कुछ ना कुछ जो है वो खर्चा भी रखा जाता है कि भाई ये आपको खर्चा यहाँ पे करना पड़ेगा, बाकी खर्चे खुद उठाते हैं। इनका कहना है कि ये नशा छुड़वाने के लिए लगातार मुहिम चलाए हुए हैं, और अभी आज भी नशा निषेध दिवस पर आज आए हुए हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को नशे के प्रति बता रहे हैं भाई ये नशा कितना घातक होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ये बताएं अब स्टार्टिंग में कैसे इससे बचा जा सकता है और कौन सी स्टेज में कैसे बचा जा सकता है? देखिए सर, संगति मेन है, जब आप यदि अपने ग्रोअप हो चुके हैं, यदि आप अपने बालिक हो चुके हैं, तो आपको पता है कि ये बंदा नशा कर रहा है, तो उससे दूर रहें। जैसे बीड़ी सिगरेट जो अपनी स्टार्टिंग होती है बच्चे की, बियर से स्टार्टिंग होती है, जब पता है आपको कि बंदा वो स्टार्टिंग कर रहा है बियर से या बीड़ी से, जो बंदा बीड़ी पीता है, तो उसकी संगति उससे आप हट जाएं, मेन बात यही है। और जब तक बंदे को ये संगति अच्छी लगती है स्टार्टिंग के अंदर, जब बंदा आजकल मैंने ये सुना पढ़ा भी है कि जो बंदे नशा बेचते हैं वो पहले बंदे को देते हैं फ्री के अंदर, ताकि उसको पता है ये एक लत लग जाए, मतलब चिट्टा भी हो गया, स्मैक भी हो गई, वो उसको देते हैं फ्री के अंदर स्टार्टिंग के अंदर कि तू आज फ्री पी ले। उसके बाद वो चोरी करता है घर के अंदर, मैंने काफ़ी केसेस पढ़े अपने सेंटर में, देखे मैंने काफ़ी, मैंने केसेस सुने भी अखबार के अंदर, जब बंदा स्टार्टिंग दोस्ती से करता है उसको वो अपने मदद लगाते हैं, बाद में फिर वो चोरी करने अपने लग जाता है। तो ऐसे युवा को अगर वो सेंटर में भी नहीं जाना चाह रहा, उन दोस्तों से थोड़ा सा अलग हुआ है, उसको कैसे छुड़वाया जा सकता है? देखिए सर, उसके लिए परिवार की काउंसलिंग की जाती है, सरकारी महकमे बने हुए हैं, सरकार के द्वारा खोले गए सरकारी नशा मुक्ति केंद्र भी यहाँ खोले गए हिसार के अंदर, वहाँ काउंसलर भी अपने हैं, अपने हाजिर हैं वहाँ, आप उनसे मदद कीजिए, काउंसलिंग कीजिए। और आजकल सबके पास में फोन है, फोन पे आप सर्च कीजिए ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडिक्शन, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बंदे मिल जाएंगे। एनए प्रोग्राम भी है सत्यमेव जयते का, एक अपने एक एपिसोड भी देखिए आप, उसमें अपने चेक कीजिए अपने गुर्दे के ऊपर, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है, एंड देयर यानी कि ब्लडी फ्री सेंटर्स, वहाँ आपको फ्री काउंसलिंग की जाएगी, आपको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और सरकार ने भी ये सेंटर खोले हुए हैं, जो खट्टर सरकार है उसने आज के तारीख में आई थिंक 59 सेंटर खोल चुकी है फ्री, जो ये जहाँ अपने किला चल रहा है फ्री। चलिए, आपसे अगर कोई जानकारी साझा करना चाहे हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं, तो आपसे किस तरीके से संपर्क कर सकते हैं? आपका संपर्क सूत्र बता दीजिए, मोबाइल नंबर बता दीजिए। देखिए सर, आप गूगल में सर्च कीजिए सवेरा नशा मुक्ति केंद्र चिकनवास, हम लोग दीवार में जाके नाम नहीं लिखते, जिसका नाम होता है वो अपने आप ही नेट पे आ जाता है। आप नेट पे देखिए, अच्छे अच्छे सेंटर्स भी हैं, वहाँ इंक्वायरी कीजिए, यदि आपको लगता है फीस ज़्यादा है या फीस कम है या फ्री भी है, तो वो भी हमारे यहाँ सुविधा पूरी की पूरी है। धन्यवाद सर। सुनील कुमार शर्मा। तो हमारे साथ सुनील कुमार शर्मा जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि नशा किस कदर से लोगों की जिंदगी खराब करता है, कैसे उन्हें खोखला बना देता है, और नशे पे मुहिम चलाते हुए यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, नशा निषेध दिवस जो आज मनाया जा रहा है, और कैसे बताया भी किस तरीके के नशे जो आजकल चल रहे हैं और उससे किस तरीके से निपटाया जा सकता है, काउंसलिंग के माध्यम से भी, परिवार के माध्यम से भी, यानी परिवार अगर उनसे दूरी बना लेते हैं परिवार, तो कहीं ना कहीं वो नशे की तरफ युवा जाता है, और जिससे वो नशे के चुंगल में ज्यादा फंसता जाता है। तो ऐसे युवाओं को परिवार को संभालना भी होता है, और साथ ही साथ परिवार उसे सहयोग करे और काउंसलिंग समय समय पर करवाए,
चाहे फिर वो डॉक्टरों से भी मिले और उनको भी नशे के बारे में पूरी जानकारी दे ताकि वो नशा छोड़े और उसके अंदर एक अंतरात्मा में जागे कि मुझे नशा छोड़ना है। क्योंकि आज हरियाणा के मैं बात करूँ हिसार क्षेत्र की, तो हिसार क्षेत्र में भी बहुत से ऐसे युवा हैं जो नशा कर रहे हैं, चाहे वो बीड़ी के अंदर डाल के नशा करते हो, चाहे हीरोइन चिट्टा का गांजा का नशा करते हो, हीरोइन चिट्टे का, और अब तो अमल का भी नशा जो है वो आ चुका है। अमली जो है युवक वो क्या करते हैं, थोड़ा सा नशा लेकर के उसे चाय या दूध के साथ या गर्म पानी के साथ या पानी के साथ ले लेते हैं और कहा जाता है कि एक मस्ती सी चढ़ जाती है और उस मस्ती के चक्कर में अपने आप को खोखला करने का काम वो लोग करते हैं। तो आधार न्यूज हरियाणा की महत्वपूर्ण अपडेट आपको दिखाई और किस तरीके से क्या कुछ इनका कहना वो भी हमने आपको दिखाया। तो आप भी नशे से बचे, अपने परिवार को अपने बच्चों से बचाएं। अगर आपका बच्चा बालिग है, अगर आप वो ऐसे दोस्तों की संगत में पड़ रहा है जो हल्का फुल्का भी नशा करते हैं या बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं, तो उससे आप बचाएं उसे, क्योंकि वो नशे की तरफ जा रहा है। और अक्सर बताया गया कि नशा किससे होता है, अपने साथियों से होता है, अपने दोस्तों से होता है। वो लोग नशा करते हैं और वो उसे आदत गिरते हैं, उसे धीरे धीरे आदत गिरते हैं और वो आदत गिरने के बाद फिर वो उसका आदी हो जाता है। तो इससे बचे और सावधान रहे, सतर्क रहे। धन्यवाद, जय हिंद।